Good evening, students. How are you? Hope you all are safe and sound at home. In today's video lecture, हम heat capacity की बात करेंगे. This is the third video lecture of thermodynamics. I hope you've gone through the first two video lectures. ठीक है. In case if you've not, आप thermodynamics playlist में you will find both the videos, including this one. Okay. So we start with heat capacity. ठीक है. Now पहले हम एक simple language में बात करते हैं. मैंने लिखा है यहाँ पे Q is directly proportional to delta T. Now इसका मतलब क्या है? इसका बहुत सिंपल कॉमन सेंसिकल मतलब है कि आप जितना ज़्यादा किसी सब्सटेंस को या सिस्टम को या सैम्पल को हीट प्रोवाइड करोगे उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर इंक्रीज होएगा. ठीक है. सो द इंक्रीज इन टेम्परेचर विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग. ठीक है. कॉमन सेंस है, जितनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करोगे चीज़ उतनी ज़्यादा गर्म होती जाएगी. ठीक है. सो दिस इज़ वॉट इज़ मेंट बाय क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, वेयर क्यू इज़ वॉट इट इज़ द चेंज इन हीट और द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एंड डेल्टा. डेल्टा मीन्स चेंज, टी इज़ टेम्परेचर. सो अमाउंट ऑफ हीट चेंज दैट इज़ हैपनिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है. अगर हम इसको इक्वालिटी में बदलें तो क्यू इक्वल्स टू सी डेल्टा टी, जहाँ पे सी क्या हो गया? सी हो गया आपका हीट कैपेसिटी. ठीक है. सो वॉट इज सी? सी इज हीट कैपेसिटी, राइट? ओके. नाउ अब हमने जब किसी चीज़ को कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है, हम कैसे डिफाइन करते हैं? सारी चीज़ों को वन बना देते हैं, है ना, उस साइड की. सो इफ़ डेल्टा टी इज़ इक्वल टू वन, अब मैं डेल्टा टी को अगर वन ले लूँ, दैट मीन्स अगर मैंने किसी सिस्टम का वन डिग्री टेम्परेचर रेज करना है या किया, तो क्यू क्या हो जाएगा? क्यू इज़ गोइंग टू बी सी इंटू वन, दैट इज़ क्यू विल बी इक्वल टू सी. इसका मतलब आपका हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम क्या हुआ? आप कैसे डिफाइन करोगे? हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय वन डिग्री सेल्सियस. ठीक है. सिस्टम चाहे कितना भी बड़ा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, चाहे इतना बड़ा है चाहे इतना बड़ा है चाहे इतना है, ठीक है. सो व्हाट इज हीट कैपेसिटी? उस पूरे सिस्टम का वन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको जो हीट चाहिए वो क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम. ठीक है. सो नाउ लेट्स पेन दिस डाउन. व्हाट इज हीट कैपेसिटी? व्हाट इज हीट कैपेसिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय वन डिग्री सेल्सियस ले लो या वन केल्विन ले लो, आइदर वेज ठीक है. ठीक है. सो हमने डिफाइन कर लिया, समझ लिया. अब हम इसके यूनिट्स डिफाइन करते हैं. ठीक है. सो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा सी क्या हो गया? सी इज़ क्यू अपॉन डेल्टा टी. और क्यू इज़ वॉट? हीट. हीट के यूनिट्स क्या होते हैं? जूल्स. ठीक है. दिस इज़ द रेज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर केल्विन या डिग्री सेल्सियस. सो जूल्स पर केल्विन और जूल्स पर डिग्री सेल्सियस. तो ये जो हो गए, दीज आर द एसआई यूनिट्स ऑफ हीट कैपेसिटी. ठीक है. राइट. नाउ अब जो हीट कैपेसिटी है ये किस पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम एंड इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द सिस्टम. ठीक है. नाउ इस चीज़ से आपको क्या पता लगता है कि किसी भी सिस्टम का या किसी भी सब्सटेंस का अगर हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, इफ़ सी इज़ अ लार्जर क्वान्टिटी, देन डेल्टा टी छोटा होएगा. इसका मतलब क्या है
कि अगर आपका सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस की अगर हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो काफ़ी सारे हीट एब्जॉर्ब करके उसका सिर्फ थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इन डेली लाइफ। ठीक है, आपने पढ़ा है कि वाटर हैज़ अ हाई हीट कैपेसिटी, ठीक है, यही लॉजिक बहुत ज़्यादा आपके डेली लाइफ में यूज़ होता है। इसका मतलब क्या है कि पानी काफ़ी सारी जब हीट एब्जॉर्ब करता है तब जाके उसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, एंड दिस इज़ द लॉजिक कि आपके जो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज होती हैं, दिस इज़ द रीज़न जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर रहता है। ठीक है, जो सी साइड पे होते हैं, राइट, सो दैट इज़ वाई, वॉट इज़ द रीज़न, बिकॉज पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है मॉर्निंग में, है ना, तो जो कोस्ट पे, जो बे बीच पे एरियाज़ हैं वो ज़्यादा गर्मी नहीं होती वहाँ। ठीक है, और धीरे धीरे गर्म क्यों होता है, क्योंकि पानी की हीट कैपेसिटी बहुत हाई है तो वो काफ़ी सारी हीट एब्जॉर्ब होके उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है। ऑन द अदर हैंड इवनिंग्स में भी या सर्दियों में भी ज़्यादा ठंड नहीं होती क्योंकि पानी जो है कूल डाउन भी फॉर द सेम रीज़न स्लोली होएगा। ठीक है, राइट, सो हीट कैपेसिटी पानी की जो है दैट इज़ द रीज़न फॉर अ मैरीटाइम क्लाइमेट और अ प्लेजेंट क्लाइमेट एंड कोस्टल एरियाज थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है, आई विल सेंड यू द क्वेश्चंस टू सॉल्व। ठीक है, सो नाउ वी मूव ऑन टू सर्टन अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो भी देख लेते हैं। तो आपको नाम से पता लग रहा होगा, आइडिया हो गया होगा। सो व्हाट इज़ मोलर हीट कैपेसिटी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ द सिस्टम और द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है, हीट कैपेसिटी क्या था कि पूरे सिस्टम का 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए थी, और मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, 1 मोल ऑफ द सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए। ठीक है, सो दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी, राइट। एक बार हम इसको यहां डिफाइन कर लेते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, हम सी एम से करते हैं। ठीक है, यहां सबस्क्रिप्ट हमने एम डाल दिया, एम फॉर मोलर, राइट। एंड हाउ डू यू डिफाइन इट, इट इज द amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance या system या sample by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। ठीक है, इज इट क्लियर, ओके। सो मैं इसकी डेफिनेशन आपको एक फॉर्मूला बनाती हूँ, तो आपका Q क्या हो जाएगा, C n into C n into delta T। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बुक्स में नहीं दिया हुआ, ठीक है, बट इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। तो If n is the number of moles, ठीक है, अगर आपको कहा है कि 3 moles मैग्नीशियम का, ठीक है, टेम्परेचर रेज करना है, लेट्स से बाय 15 degree Celsius, ठीक है, सो लेट्स से यू हैव अ न्यूमेरिकल, ठीक है, जिसमें आपको मोलर हीट कैपेसिटी दी हुई है, लेट्स से ऑफ एलिमेंट x, ठीक है, आपको मोलर हीट कैपेसिटी दी हुई है। ठीक है, आपको कहा है कि उसका 15 डिग्री सेल्सियस या लेट्स से आपको दिया हुआ है कि 30 डिग्री से उसका टेम्परेचर 45 डिग्री तक करना है, तो आपको केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको तो डेल्टा टी चाहिए, तो आप केल्विन में भी करोगे तो आप दोनों तरफ 273 ऐड करोगे तो डेल्टा टी सेम रहेगा, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या हो गया आपका 15। ठीक है, उसके बाद लेट्स से आपको दिया हुआ है कि आपके पास 1.5 मोल्स एलिमेंट एक्स है, ठीक है,
तो 1.5 मोल्स एलिमेंट एक्स का 30 से 45 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको चक्कर नहीं खाने हैं, ठीक है। मैंने आपको एक सिंपल फॉर्मूला दे दिया है, राइट, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था, पूरे सिस्टम का क्या था, क्यू वॉज सी इंटू डेल्टा टी। तो n मोल सिस्टम का क्या हो गया, n इंटू सी एम इंटू डेल्टा टी, जहाँ सी एम क्या है, एक मोल सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो n मोल्स का के लिए कितनी होगी, n इंटू सी एम इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है, दिस इज टू बी लर्नड बाय हार्ट, ठीक है। ये काफ़ी यूज़ होगा आपके न्यूमेरिकल्स में, राइट। सो दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी। एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिनोट किया जाता है सी एंड स्मॉल एस, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, सो यू कैन राइट लाइक दिस, कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये 1 मोल था और स्पेसिफिक क्या है, 1 ग्राम। सो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of 1 gram of system by 1 degree Celsius, ठीक है, और 1 Kelvin, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q is going to be m into Cs into delta T, ठीक है, that is m C delta T, जहाँ m क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस कितने ग्राम का है, मोलर मास नहीं है, कितने ग्राम्स आपके पास वो सब्सटेंस है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ, सॉरी, इट इज़ द मास ऑफ सब्सटेंस या सिस्टम टेकन, ठीक है। c क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा t क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। सो ये आपने अच्छे से दोनों फॉर्मूलाज याद रखने हैं, इनकी एप्लीकेबिलिटी इस चैप्टर में, इनके न्यूमेरिकल्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो नाउ वी कम टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, शॉर्ट शॉर्ट डेरिवेशन है, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विकली पहले, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV, ठीक है। सो पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज CP एंड CV, ठीक है। आपने अभी पढ़ा था Q इज इक्वल टू C डेल्टा T, ठीक है, वेयर Q इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो C क्या था आपका, C वॉज द हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सो एंड व्हाट इज C, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या हो जाएगा, हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए Q V लिख लेंगे, इक्वल्स टू CV डेल्टा T, जहाँ CV क्या हो गया, हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और अगर आपका प्रेशर कॉन्स्टेंट है, सो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, यहाँ P लिख रहे हैं जस्ट टू डिनोट कि प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, तो हीट एक्सचेंज क्या हो जाएगा आपका, CP डेल्टा T, तो जहाँ CP क्या हो गया, हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। फर्दर आपको पता है व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इट इज़ द हीट एक्सचेंज दैट इज़ हैपनिंग एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो ये हमारा डेल्टा U के बराबर हो सकता है। एंड चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा H क्या होता है, इट इज़ द हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो हम इसको डेल्टा H डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यू नो द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U, सो डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है, राइट। एंड यू नो दैट फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है,
PV equals to N R T, ठीक है, और डेल्टा PV equals to N R डेल्टा T, क्योंकि गैस कांस्टेंट कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड हैं, ठीक है, फॉर N मोल्स, यहाँ R गैस कांस्टेंट है, डेल्टा T हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, या प्रेशर कांस्टेंट है, सो P डेल्टा V इज N R डेल्टा T, ठीक है, तो यहाँ मैं P डेल्टा V की जगह क्या लिख दूंगी, N R डेल्टा T, ठीक है, सो वन इज दिस सब्स्टिट्यूशन. उसके बाद आपको पता है कि सी वी डेल्टा टी क्या है, डेल्टा यू, एंड सी पी डेल्टा टी क्या है, डेल्टा एच. अब मैं डेल्टा एच की जगह क्या लिख सकती हूँ, सी पी डेल्टा टी. डेल्टा यू की जगह क्या लिख सकती हूँ, सी वी डेल्टा टी, एंड पी डेल्टा वी की जगह क्या लिख सकती हूँ, एन आर डेल्टा टी. नाउ यू सी डेल्टा टी इज कॉमन इन ईच टर्म, सो वी कैन कैंसिल ऑफ, तो क्या हो जाएगा, सी पी इज गोइंग टू बी सी वी प्लस एन आर, ठीक है, और सी पी माइनस सी वी इज गोइंग टू बी इक्वल टू एन आर, राइट, एंड फॉर वन मोल, इफ एन इक्वल्स टू वन मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, इफ वन वन मोल इज देयर, देन सी पी माइनस सी वी इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर, ठीक है, एंड दिस इज नियरली इक्वल टू टू कैलोरीज, ठीक है, राइट, दैट इज, दैट विल बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 8.2 जूल्स, ठीक है, बिकॉज वन कैलोरी इज 4.184 जूल्स, ठीक है. नाउ दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी पी सी वी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, जितने भी आप वेरी लगा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बाय हार्ट आनी चाहिए. ओके, नाउ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें से डिराइव होता है, दैट इज एटॉमिसिटी ऑफ अ गैस, ठीक है, सो वी कैन फाइंड आउट हेयर द रेशो ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ अ गैस, दैट इज सी पी ओवर सी वी, ठीक है. हम क्या करेंगे, जब हम सी पी ओवर सी वी की रेशो निकालेंगे तो हमें एटॉमिसिटी ऑफ गैस पता लग सकता है. इट इज डिनोटेड बाय दिस इज व्हाट, दिस इज गामा, ठीक है. अगर आपको वैल्यूज आ रही है 1.66 तो गैस आपकी क्या है, मोनो एटॉमिक. मोनो एटॉमिक गैस कौन सी होती है, ये किसके लिए, आपकी जितनी भी नोबल गैसेज हैं, दे आर मोनो एटॉमिक, ठीक है. सो बेसिकली आपको न्यूमेरिकल में कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है, आपको सी पी और सी वी दिया होता है, राइट, या एक ही दिया होगा और आपको सी पी सी वी की रिलेशन से पहले आपने दूसरा निकालना होगा और उसके बाद उनकी रेशो निकालनी है, ठीक है. जब रेशो निकालोगे आपको चार ऑप्शंस दिए होंगे, आपको पूछा होगा आइडेंटिफाई द गैस कि ये ओ है, ओ टू है, ओ थ्री है, सॉरी नॉट ओ, हीलियम है, ओ टू है, ओ थ्री है, ठीक है, या नन ऑफ दीज, ऐसे करके ऑप्शन पूछी होगी, ठीक है. तो आपने सी पी और सी वी की रेशो निकाल ली, इफ इट इज नियरली इक्वल टू 1.66 तो वो 100% क्या होगी, आपकी मोनो एटॉमिक, मतलब एक ही एटम से बनी गैस है, दैट इज वो नोबल गैस होगी. अगर आपका उस समय आंसर आता है 1.40 तो वो कौन सी ऑप्शन टिक करोगे, इट इज डाई एटॉमिक, तो वो गैस क्या हो जाएगी आपकी ऑप्शन में से, ओ टू हो जाएगी. अगर आपका आंसर आ रहा है 1.30 तो वो गैस क्या हो जाएगी, ट्राई एटॉमिक, जैसे O3, ठीक है, राइट. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. फिजिक्स में सेम डेरिवेशन आएगी और उसमें भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट व्हाट आर थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, ठीक है. केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, जिसमें आपको एक तरफ रिएक्टेंट्स दिए होते हैं, दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स दिए होते हैं, ठीक है, उनकी आपको बैलेंस्ड होती है, उसके स्टेट के सिंबल्स दिए होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, ठीक है, एंड आपको टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशंस दिए होते हैं, अगर कैटलिस्ट है तो एरो के ऊपर कैटलिस्ट लिखा होता है ना. सो दोज आर केमिकल रिएक्शंस. जब केमिकल रिएक्शंस में या केमिकल इक्वेशंस में इन एडिशन आपको उसकी हीट एक्सचेंज की या एनर्जी चेंज की इंफॉर्मेशन दी होती है, देन दे बिकम थर्मोकेमिकल इक्वेशन. जैसे ये एक इक्वेशन है, राइट, इसमें यहाँ सारा कुछ दिया हुआ है दैट दिस इज अ गैस, ठीक है, राइट, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं. तो बिसाइज ऑल दिस इंफॉर्मेशन गिवन, यहाँ पे आपको उसका एनर्जी चेंज की इंफॉर्मेशन दी हुई है, दैट इज एंथैल्पी चेंज की वैल्यू दी हुई है. नाउ इट हैज़ बिकम अ
थर्मोकेमिकल इक्वेशन. ठीक है, सो कुछ कॉमन सेंसिकल चीज़ें नोट करने के लिए. ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको सारी स्टेट्स मेंशन्ड होंगी, सॉलिड के लिए एस, गैसेस के लिए जी, लिक्विड्स के लिए एल एंड एक्वस के लिए ए, क्यू. ठीक है, नंबर वन. नंबर टू, अगर यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस नहीं मेंशन्ड हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस हम क्या लेते हैं, वी टेक 298 केल्विन, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एज स्टैंडर्ड प्रेशर. ठीक है, सो बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज़ द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन अनलेस स्पेसिफिकली समथिंग एल्स इज मेंशन्ड. ठीक है, नंबर टू. नाउ नंबर थ्री इज़ कि यहाँ पे जो इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, यहाँ टू है, यहाँ कितना है, वन, और यहाँ भी वन. सो दे डिनोट द नंबर ऑफ मोल. सो दिस मीन्स दिस इज़ वन मोल, दिस इज़ वन मोल एंड दिस इज़ टू मोल्स. ठीक है, ओके, दिस वॉज नंबर थ्री. नंबर फोर इज़ कि अगर आपका डेल्टा एच, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, नेगेटिव है तो इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर आपका डेल्टा एच पॉजिटिव है देन इट इज़ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, सो फोर थिंग्स. ओके, नाउ द फिफ्थ वन. अगर यहाँ पे टू मोल्स की 180 किलो जूल्स हीट जो है, ये क्या बता रहा है कि जब N2 और O2 कंबाइन हुए उन्होंने 180 किलो जूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब की, क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है, और उन्होंने दो मोल्स NO बनाए. ठीक है, तो अगर मुझे एक मोल NO में कितना बनने के लिए कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो निकालने में क्या करूँगी, ये दो की एक के लिए डिवाइड बाई टू करूँगी. सो नाउ इफ दिस इज़ डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, देन वॉट इज गोइंग टू हैपन, दिस विल ऑल्सो गेट डिवाइडेड बाई टू. तो अगर टू NO के लिए एनर्जी चाहिए थी 180 किलो जूल्स, तो 1 NO के लिए कितनी चाहिए होगी, 180 डिवाइड बाय 2. ठीक है, सिमिलरली अगर आपको 3 की पूछी है तो मैं इसी को, ये 1 NO को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 3 NO बन जाएगा, तो डेल्टा एच भी 3. तो जो चीज़ मैं जिस चीज़ को, मतलब इस इक्वेशन को मैं जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रही हूँ, 2 से कर रही हूँ, 3 से कर रही हूँ, सो एक बार वापस जाते हैं, जब मैंने 2 से इसको डिवाइड किया इस पूरी इक्वेशन को, तो इक्वेशन क्या बन गई, 1/2 N2 गैस प्लस 1/2 O2 गैस गिव्स NO गैस. तो ये मेरी इक्वेशन बन गई, क्योंकि मैंने इसको 2 से 1 मोल बनाना था, तो मेरा डेल्टा एच भी 2 से डिवाइड हो गया. दैट मीन्स जो ऑपरेशन मैं इस केमिकल इक्वेशन में लगाऊंगी, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड, वो सेम मेरा डेल्टा एच में भी लगेगा. ठीक है, इज इट क्लियर. ओके, नाउ द लास्ट थिंग टू नोट हेयर कि अगर N2 प्लस O2 गिव्स 2NO वॉज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच वॉज 180, तो अगर मैंने इसका रिएक्शन रिवर्स कर दिया, 2NO गिव्स N2 प्लस O2, तो आपके इसका साइन भी उल्टा हो जाएगा. ठीक है, सो इफ फॉरवर्ड रिएक्शन वॉज एंडोथर्मिक, बैकवर्ड इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन रिवर्स किया तो डेल्टा एच का साइन भी रिवर्स हो गया. ठीक है, सो दीज आर सर्टन बेसिक थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड वेन एवर यू आर स्टडिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशंस. ठीक है, अब हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, जैसे हीट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, सो नेक्स्ट वी मूव टू वेरी इजी टॉपिक, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. एंथैल्पी इज डेल्टा एच एंड आर मैंने लिखा है रिएक्शन के लिए. सो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, लेट्स रीड थ्रू. द चेंज इन एंथैल्पी दैट अकंपनीज अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो बेसिकली सिंपल भाषा में एक जो इक्वेशन है जिसमें आपको हीट एक्सचेंज की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन. और उस थर्मोकेमिकल इक्वेशन में जो आपको एंथैल्पी की वैल्यू दी हुई है, मतलब इस केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के समय जो भी हीट एक्सचेंज हुआ वो आपका क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. ठीक है, नाउ ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ये बहुत तरह का हो सकता है. एक चीज़ और देख लेते हैं. सो दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन.
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज आपने सेम डेफिनेशन लिखनी है, इट इज़ द चेंज इन एंथैल्पी दैट अकंपनीज अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, बट आप यहाँ ऐड क्या कर दोगे आगे, एट तो कंडीशंस क्या हो जाएंगी, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस. ठीक है, और वो स्टैंडर्ड कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, दैट इज 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयरिक प्रेशर. तो उस समय जो डेल्टा एच आर होएगा, दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. एंड डिफरेंशिएट क्या करेंगे यहाँ, या तो ऐसे लिख देंगे और यू कैन राइट लाइक दिस बाय दिस सिंबल. सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस और इट कैन बी रिटन लाइक दिस. यहाँ पे डिग्री का साइन बना सकते हो. ठीक है, अब ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस बहुत तरह की हो सकती है डिपेंडिंग कि क्या हो रहा है. कंबशन रिएक्शन हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, मतलब लिक्विड से वाटर या सॉरी लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड. तो बेसिकली कि फ्यूजन हो रही है, सॉलिडिफिकेशन हो रही है, क्या हो रही है उस पर डिपेंड करेगा. एंड देन कंबशन दैट इज़ बर्निंग ऑफ एनी कंबस्टिबल सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब कितनी हीट इवॉल्व हो रही, दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ कंबशन. ठीक है, फेस चेंज हो रहा है या कंबशन हो रही है या न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो रही है. ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, डिफरेंट तरह की एंथैल्पीज भी डिफाइंड हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, इस पे आपको न्यूमेरिकल काफ़ी बार आपके कॉम्पिटिशन्स में या स्कूल लेवल के एग्जाम्स में आता है. नाउ व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इट इज़ द एनर्जी चेंज दैट इज हैपनिंग या डेल्टा एच, इट इज़ द एंथैल्पी चेंज दैट इज अकंपनिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. ठीक है, राइट, तो ये जैसे ये दिया हुआ है कि एक मोल मीथेन बनाने के लिए व्हाट इज द एनर्जी चेंज, 74.8 किलो जूल्स एनर्जी इज गिवन आउट व्हेन वन मोल ऑफ मीथेन इज फॉर्म्ड. ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. कैसे लिखेंगे, डेल्टा एच एंड एफ इज गोइंग टू बी द सबस्क्रिप्ट फॉर फॉर्मेशन इफ दिस इज हैपनिंग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस. ठीक है, दैट इज 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एच एफ डिग्री, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. डेफिनेशन में यहाँ आगे क्या ऐड कर दोगे, अंडर स्टैंडर्ड एट ए गिवन टेम्परेचर प्रेशर की जगह क्या लिख दोगे, एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की मदद से आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड एज इट इज़ गोइंग टू बी सिग्मा, दैट इज सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है, तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पीज को ऐड कर दो माइनस जितने रिएक्टेंट्स हैं उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पीज को ऐड कर दो. तो उनका डिफरेंस क्या हो गया आपका एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन. उससे पहले हम एक बार एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का. क्विकली लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला, व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इट इज सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं, हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं. कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, और आप कैसे निकालोगे, सो लेट्स फाइंड आउट. तो एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, पहले आप जो भी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, सी ओ, एक ही सी ओ है, तो कितना आ गया -113.3 प्लस वाटर की कितनी है, वाटर इज -241.8. ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ
स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स में आपके पास है CO2 एंड H2, ठीक है। तो CO2 की कितनी होती है -393.5, प्लस H2 की इज नॉट गिवन बिकॉज H2 की कितनी होती है जीरो। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डू यू रिमेंबर कि किसकी जीरो है। ओके, द इजी वे इज उसकी दी नहीं होती, उसकी जीरो होती है, बट लॉजिक ये नहीं है। लॉजिक क्या है कि जो भी आपकी परमानेंट गैसेस हैं, मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में बताया था, ऑल योर नोबल गैसेस प्लस यू हैव H2, यू हैव F2, यू हैव Cl2, N2 एंड O2, ठीक है। ये जो फाइव परमानेंट गैसेस हैं बिसाइड्स द सिक्स नोबल गैसेस, ये जो इन पांच परमानेंट गैसेस की डायएटॉमिक स्टेट इज देयर नेचुरल स्टेट, ठीक है। तो ये ऐसी ही पाई जाती हैं नेटिव स्टेट में या ओरिजिनली, दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल स्टेट। तो इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है वो जीरो होती है, क्योंकि ऐसे ही होती है, इनको बनाने की जरूरत नहीं होती है ऐसे, ठीक है। राइट, सो नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, सो 8 and 3 11 1 3 1 4 and 1 5 4 and 1 5 and 2 and 1 3, so -355.1 माइनस माइनस प्लस हो गया 393.5, ठीक है। तो आपके पास आ गया 393.5 एंड 355.1, ठीक है। सो प्लस माइनस इज माइनस, ठीक है। इसको माइनस कर लेते हैं, 5 minus 1 4, 13 minus 5 is 8, एंड देन 8 minus 5 is 3, तो यू आर गेटिंग पॉजिटिव 38.4 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। सॉरी आई डिडंट राइट द यूनिट्स हियर, यहाँ यूनिट्स दी हुई थी, किलो जूल्स पर मोल, सबकी यूनिट सेम थी, ठीक है। सो एंड सिंस इट इज़ पॉजिटिव, तो आपको क्या पता लग रहा है, इट इज़ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑल्दो इट्स नॉट आस्ट, वॉट इज आस्ट इज ओनली दिस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, 38.5 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन क्या होता है, व्हेन यू बर्न एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, दैट इज नोन एज कंबशन, ठीक है। सो वॉट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इट इज द एंथैल्पी चेंज दैट अकंपनीज द कंबशन ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इन एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ, मिथेन को जब हमने बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हीट रिलीज हुई या जो एनर्जी चेंज है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। सो सिंस हीट इज गिवन आउट, तो ये -890.3 है, ठीक है, इसलिए माइनस साइन है। इसी से रिलेटेड आपको यूजुअली एंथैल्पी ऑफ कंबशन की जगह पूछा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। जो भी आपका फ्यूल होता है या फूड होता है, ठीक है, जो आप खाना खाते हो या जो फ्यूल यूज़ करते हो, जब उसको बर्न करते हो काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। सो व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड और फ्यूल, इट्स अ वे ऑफ मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ फूड और फ्यूल, ठीक है। सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 gram ऑफ द फूड और फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्नड इन एयर। एंड यहाँ मैंने इसलिए लिखा है जस्ट फॉर नॉलेज, हाइड्रोजन गैस की जो है हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है आउट ऑफ ऑल द फ्यूल्स, ठीक है, राइट। तभी द फोकस इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स हाइड्रोजन इकोनॉमी। आप ये टॉपिक 11th में भी पढ़ोगे और प्लस टू में भी पढ़ोगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो इसकी कितनी है, 150 किलो जूल्स पर ग्राम। सो जस्ट टू टेल यू द डिफरेंस, इससे नेक्स्ट आ जाता है आपका LPG, डीजल एंड पेट्रोल, उनकी 45 से 55 के बीच में है। सो दिस इज द डिफरेंस, हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट 3 times मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, बट देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व विद यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, तभी हमारी सारी गाड़ियाँ हाइड्रोजन कार्स नहीं हैं, ठीक है, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ लेट्स लुक एट मोर एंथैल्पीज, ओके। सो नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नाउ यू नो दैट वॉट इज न्यूट्रलाइजेशन, जब एक एसिड और बेस जो हैं दे react with each other to give salt and water, ठीक है। तो enthalpy of neutralization क्या होता है, जब 1 gram equivalent acid का और base का अपने dilute solutions में आपस में react करते हैं to give salt and water, ठीक है। जैसे NaOH aqueous plus HCl aqueous, that is dilute NaOH and dilute HCl, they are reacting to give salt and water,
ठीक है. नाउ यहाँ पे आपने देखना है, ध्यान यहाँ देना है, हमने 1 ग्राम मोल नहीं यूज़ किया या 1 मोल वर्ड नहीं यूज़ किया, हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट यूज़ किया है. बिकॉज सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज बिटवीन एच पॉजिटिव आयन्स एंड ओ एच नेगेटिव आयन्स, और हर एक एसिड जो है सेम नंबर ऑफ एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयन्स नहीं देता. दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल अगर 1 मोल एच सी एल है तो वो 1 मोल एच पॉजिटिव दे रहा है, बट 1 मोल एच टू एस ओ फोर 2 मोल्स एच पॉजिटिव दे रहा है ना. तो हमारा मतलब किससे है, ना कि कितने मोल्स हैं, हमारा मतलब है कि 1 H+ और 1 OH-, ठीक है. तो सिंस ऑल एसिड्स और ऑल बेसिस डू नॉट गिव 1 मोल ऑफ H+ और 1 मोल ऑफ OH- रिस्पेक्टिवली, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है. मतलब एक टाइम पे 1 मोल H+ और 1 मोल OH- जो है वो कंबाइन करते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होएगा, जब 1 मोल सॉल्यूट इतने ज़्यादा एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे तब जो एनर्जी चेंज होएगा, ठीक है. एंड सॉल्वेंट की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि अगर अब मैं उसमें और सॉल्वेंट डालूं तो फर्दर कोई एनर्जी चेंज ना हो, ठीक है. सो जैसे हमने यहाँ लिया NaCl को, हमने पानी में नमक को घोल दिया, ठीक है, राइट. तो इस समय जो हीट चेंज हुआ है या एंथैल्पी चेंज हुआ है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. नाउ दिस इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ हमने नमक को पानी में अच्छे से डिसॉल्व कर दिया था. एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मतलब कि 1 मोल एनहाइड्रस ड्राई सॉल्ट उतने कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के साथ कंबाइन करता है जितने उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए चाहिए. तो यहाँ कॉपर सल्फेट उसमें घुल नहीं रहा, हम सोल्यूशन नहीं बना रहे, हम उसके क्रिस्टल्स बना रहे हैं यहाँ, ठीक है, राइट. सो दिस इज़ द डिफरेंस, राइट. सो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ वी कम टू वेरी इंपॉर्टेंट एंथैल्पी. एक और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ फेस चेंज, ठीक है. उसमें 3 तरह की एंथैल्पीज हो जाती हैं आपकी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, वेपराइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. ओके, सो नेक्स्ट वी कम टू एंथैल्पीज रिलेटेड टू फेस चेंज. पहला आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. नाउ व्हाट इज़ फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स मेल्ट होना, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाना. नाउ जब सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो इट अब्सॉर्ब्स सर्टन हीट एनर्जी एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड. सो व्हाट इज़ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इट वुड बी द एंथैल्पी चेंज जब 1 मोल सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है. सो एग्जाम्पल दिया हुआ है, आइस से वाटर बना तो जो हीट एब्जॉर्ब हुई वो क्या है आपका, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है. नाउ व्हाट वुड बी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जब 1 मोल लिक्विड जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. अगेन इसका एंथैल्पी 640.6 किलो जूल्स पर मोल है. ये क्या बता रहा है कि अगर मैं 1 मोल पानी जो है उसको उबालती हूँ तो 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे क्या होता है, वो गैस स्टेट में चेंज हो जाता है, उसकी भाप बन जाती है, और उस समय जो हीट कितनी चाहिए थी मेरे को उसको पानी से गैस में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज़ 40.6 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है. सिमिलरली थर्ड इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन मीन्स सॉलिड टू गैस डायरेक्टली बिलो मेल्टिंग पॉइंट. सो व्हाट वुड बी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, डेफिनेशन बना लो, इट इज़ द एंथैल्पी चेंज जब 1 मोल सॉलिड जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है. ये आयोडीन का एग्जाम्पल दिया है. ओके, फ्यूल्स विल, ठीक है, कम विल मूव अवे, ठीक है. तो जब सॉलिड से लिक्विड बना क्या हुआ, हीट वॉज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, तभी जो मॉलिक्यूल्स थे दे विल मूव अवे. उसी तरह जब लिक्विड से सॉलिड बनेगा तब क्या होएगा, मॉलिक्यूल्स हैव टू कम क्लोजर, तो एनर्जी हैज़ टू बी गिवन आउट, ठीक है, दे विल लूज एनर्जी एंड दे विल कम क्लोजर, ठीक है. देन इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो अगर हमने कॉन्डेंसेशन करनी है तो क्या हो जाएगा, योर एंथैल्पी ऑफ कॉन्डेंसेशन विल बी ऑपोजिट ऑफ दिस, कितना हो जाएगा, -40.6, ठीक है, राइट. उसी तरह अगर ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है तो एंथैल्पी ऑफ डेपोजिशन क्या हो जाएगी, डेपोजिशन मतलब गैस से सॉलिड बनना, -62.4. ओके, नाउ एक छोटा सा इनके बीच में रिलेशन भी है, ये क्या है सॉलिड से लिक्विड, ये क्या है लिक्विड से गैस, ये क्या है सॉलिड से गैस. तो मैं कह सकती हूँ सॉलिड से गैस किसके बराबर हुआ, सॉलिड से लिक्विड प्लस लिक्विड टू गैस, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन
plus enthalpy of vaporization of a given substance. ठीक है, ये काफ़ी जगह यूज़ होती है, ये लॉजिक भी यूज़ होता है. ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Now we are going to do the most important topic in this chapter, ठीक है, from numerical point of view, that is Hess law. ठीक है, अब Hess law क्या कहता है जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं. It is saying कि जैसे अगर मैंने A से C बनाया and let's say delta H was X किलो जूल्स, तो चाहे मैं A से D बना के C बनाऊँ indirectly, तभी लेट्स से यहाँ पे डेल्टा एच इज़ योर वाई एंड यहाँ पे डेल्टा एच इज़ योर जेड, स्टिल जो आपका ये एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, वाई प्लस जेड. दैट मीन्स कि चाहे डायरेक्टली ए से सी बना, चाहे ए से डी के बाद सी बना, चाहे मैं एक और पाथ ले लूँ, ए से ई बनाया, फिर ई से एफ बनाया, फिर एफ से सी बनाया, मैं कोई भी तरीके से एक रिएक्शन कैरी आउट करूँ, उसका जो नेट एंथैल्पी चेंज है वो सेम रहेगा. ठीक है, लेट्स से यहाँ पे पी किलो जूल्स हैं, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर, तो ये भी आपका किसके बराबर होएगा, एक्स के बराबर होएगा. ठीक है, सो हीट चेंज और एंथैल्पी चेंज इन अ फिजिकल प्रोसेस और अ केमिकल रिएक्शन इज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच द चेंज हैज़ बीन कैरेड. ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है. आपको इनडायरेक्ट डेटा दिया होता है और आपको डायरेक्ट फॉर्मेशन का एंथैल्पी निकालनी होती है. फॉर एग्जांपल, लेट्स लुक एट दिस न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. ठीक है, राइट. अब सबसे पहले आपको दिया क्या हुआ है, आपको CO2 की फॉर्मेशन की दो इक्वेशंस दी हुई हैं और आपने निकालना क्या है, यू हैव टू टेक आउट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. तो सबसे पहले आप लिखोगे कि आपको इक्वेशन क्या चाहिए, टारगेट इक्वेशन क्या है आपकी, फॉर्मेशन ऑफ CO कैसे बनानी है. हमेशा टारगेट इक्वेशन में आपने डायरेक्टली वो दो एलिमेंट, दो या तीन है जितने भी एलिमेंट्स ऐड करने हैं जिससे ये कंपाउंड बनाए. ये किससे बनाए, कार्बन एंड ऑक्सीजन. कार्बन की एलिमेंटल स्टेट क्या होती है, C. ऑक्सीजन की स्टेट क्या होती है, O2. ठीक है, तो C प्लस O2 से क्या बना, CO. ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग, टारगेट इक्वेशन में क्या करना है, वो सारे एलिमेंट्स जो इस कंपाउंड में हैं उनको अपनी नेटिव स्टेट में जैसे हैं, जैसे वो पाए जाते हैं वैसे ऐड कर देना है, नंबर वन. नंबर टू, यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका हाफ आ जाएगा. ठीक है, नाउ सी इज़ वन बोथ साइड्स एंड ओ इज़ वन बोथ साइड्स, तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई. ठीक है, तो आपको टारगेट इक्वेशन क्या बन गई आपकी, C प्लस हाफ O2 इज CO, और आपने इसकी एंथैल्पी निकालनी है. दिस इज़ द क्वेश्चन यूजिंग दिस डेटा. ठीक है, आप कैसे यूज़ करोगे, दिस इज़ योर इक्वेशन वन एंड दिस इज़, सॉरी, दिस इज़ इक्वेशन वन एंड दिस इज़ इक्वेशन टू, है ना. तो सबसे पहले देखो आपको इस इक्वेशन में क्या चाहिए, C. C कौन सी इक्वेशन में पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने, हमें एक इक्वेशन वन चाहिए प्लस O2. नाउ O2 इज़ इन बोथ, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ये अपने आप बैलेंस होएगा. जो चीज़ सब में है, कॉमन है, स्पेशली ऑक्सीजन होती है, उसको आप छोड़ दो. ठीक है, नाउ O2 का काम हो जाएगा अपने आप. अब आते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड किस इक्वेशन में है, कार्बन मोनोऑक्साइड सेकेंड इक्वेशन में है. ठीक है, अब क्या आप वन प्लस टू करोगे, नो, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड सेकेंड इक्वेशन में इस साइड पे है. कार्बन तो हमें इस साइड चाहिए था और इसी साइड था, है ना, लेकिन टारगेट इक्वेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ है, राइट साइड पे है, लेकिन यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, ऑपोजिट साइड, लेफ्ट साइड पे दिया है. तो मैं जो, अगर ऑपोजिट साइड पे मेरा कंपाउंड है या एलिमेंट है, मैं क्या करूँगी उसको, माइनस, माइनस इक्वेशन टू. ऐसा क्यों करूँगी, क्योंकि माइनस करूँगी तो वो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट. तो हमने क्या करना है, जिस इक्वेशन में मेरे ये सारे अपीयर हो रहे हैं वो देखने हैं, मेरे को कार्बन चाहिए पहले टारगेट इक्वेशन में. कार्बन कहाँ है, फर्स्ट इक्वेशन में, मैंने इक्वेशन वन लिख लिया. प्लस O2 चाहिए, O2 दोनों में है, उसको मैंने छोड़ दिया. ठीक है, आगे चलिए. आगे मेरे को चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ है, सेकेंड इक्वेशन में है, पर ऑपोजिट साइड पे. अगर ऑपोजिट साइड पे, तो मैं क्या करूँगी, माइनस, ताकि दूसरी साइड जब साइड चेंज होएगी वो प्लस हो जाएगा. तो मेरा ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या हुआ, वन माइनस टू. इट्स बेसिक मैथ्स दिस न्यूमेरिकल. ठीक है, अब वन माइनस टू करके देखते हैं. सो
एज पर मी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड किससे आ जाएगी हमारी 1-2 से. ठीक है, नाउ लेट्स सी. ओके, इक्वेशन 1 इज सी प्लस O2. मैं सॉलिड गैस नहीं लिख रही अभी, आपने लिखना है या बहुत ज़्यादा कंजस्टेड ना हो जाए. उसके बाद मैंने क्या करना था, माइनस माय इक्वेशन CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2. ये माइनस करनी थी, है ना. अब जब ये माइनस करनी थी इक्वेशन, तो क्या आएगा, यहाँ सारे साइन चेंज हो जाते हैं जब माइनस करेंगे. ये माइनस बन गया, ये भी माइनस बन गया और ये भी माइनस बन गया. ये प्लस है ना, सारे माइनस बन गए. ठीक है, एक तो मैंने यहाँ करना है. उसके बाद मैंने थर्मोकेमिकल इक्वेशंस जब पढ़ी थी, रूल्स में पढ़ा था, जो भी चीज़ उनके साथ होएगी वो सेम चीज़ उनके साथ होएगी. ठीक है, तो यहाँ पे एंथैल्पी क्या था, -393.5 और यहाँ पे क्या थी, -282.5. अब इसको माइनस करूँगी, यहाँ पे माइनस आ गया. ठीक है, तो ये माइनस का क्या बन जाएगा, माइनस माइनस इज गोइंग टू बिकम प्लस. ठीक है, राइट. सो लेट्स डू दिस. अब हमारे पास ये प्लस एंड माइनस कट हो गए. ठीक है, सो आई एम लेफ्ट विद सी माइनस सी ओ प्लस ओ टू. कितना है, 1, दिस इज 1. जो कुछ नहीं लिखा होता वो क्या होता है, 1 माइनस 1/2 कितना होता है, 1/2 ओ टू गिव्स 0. ये कट गया था, यहाँ पे क्या बचा था, सी माइनस सी ओ प्लस O2 माइनस 1/2 O2. तो 1 O2 एंड माइनस 1/2 कितना हो गया, 1-1/2 इज 1/2 और यहाँ पे CO2 माइनस CO2 0. अब यहाँ पे क्या आ गया, -393.5 प्लस 282.5. ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या हो गया, -393.5 प्लस 282.5. सो माइनस प्लस माइनस और बड़े वाले नंबर का साइन क्या है, माइनस. तो आंसर माइनस में आएगा, 5-5 0, 3-2 1, 9-8 1, 3-2 1. ठीक है, सो -111.0 किलो जूल्स पर मोल. ये आ गया मेरा एंथैल्पी जो मेरे को निकालना था, ये चीज़ आ गई. और इसको भी हम कंप्लीट करेंगे, ये इक्वेशन क्या बन गई, सी प्लस हाफ ओ टू. नाउ दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग, अब ये माइनस उधर जाके क्या हो गया, सी ओ. ठीक है, राइट. तो अगर आपको MCQ आता है ये क्वेश्चन, तो आपको ये सारा शो करने की ज़रूरत नहीं है. आप रफ में सीधा ऑपरेशन आइडेंटिफाई करो और एंथैल्पी की कैलकुलेशंस करो, क्योंकि आपका आंसर क्या आया है, आपका आंसर आया है डेल्टा एच इज -111.0 किलो जूल्स पर मोल. तो अगर ये एज अ MCQ नहीं आता और आपको सॉल्व करने को कहे, 2 या 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, तो फिर आपको ये वाले स्टेप्स भी दिखाने हैं. ठीक है, राइट. सो लेट्स डू इट अगेन. आपको पूछा क्या था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ था, आपको ये 2 इक्वेशंस दी हुई थी आपकी हेल्प के लिए. तो पहला स्टेप क्या था, आपने टारगेट इक्वेशन बनानी थी. टारगेट इक्वेशन कैसे बनाते हैं, जो भी आपको कंपाउंड बनाना है उसके सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं नेटिव स्टेट में उनको ऐड कर लेते हैं. इस फॉर सी प्लस ओ टू गिव सी ओ. ठीक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड किससे बनी है, कार्बन एंड ऑक्सीजन से. सेकंड स्टेप क्या है, उसको बैलेंस किया, बैलेंस करने के लिए यहाँ हाफ लगा दिया. तो इस इक्वेशन की जो एंथैल्पी है वो आपने निकालनी है. ठीक है, नाउ आप अपना देखोगे कि आपने करना क्या है, दैट इज़ यू आइडेंटिफाई योर ऑपरेशन. ठीक है, उसके लिए आप देखो, आपको सबसे पहले क्या चाहिए, सी. सी कहाँ था, फर्स्ट इक्वेशन में मैंने 1 लिख दिया. प्लस नेक्स्ट क्या चाहिए, ओ टू, जो कॉमन है उसको नहीं लिखना, अपने आप वो एडजस्ट होएगा. अब आ जाओ सी ओ. सी ओ किस में था, सेकेंड इक्वेशन में था, बट ऑपोजिट साइड था इसलिए मैंने वो माइनस कर दिया. ठीक है, इक्वेशंस को भी आप कर लो और यहाँ एंथैल्पी के साथ भी सेम ऑपरेशन करोगे, 1-2. ठीक है, तो जो आपका आंसर आया दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओ. ठीक है, इज इट क्लियर. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं. नाउ लेट्स लुक एट दिस न्यूमेरिकल. ठीक है, आपको इसमें पूछा है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन और आपको ये 3 फिगर्स दी हुई हैं. यू हैव बीन गिवन एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. ठीक है,
तो आपकी टारगेट इक्वेशन क्या है, आपको बेंजीन बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टारगेट लिखेंगे। बेंजीन किससे बनती है, कार्बन और हाइड्रोजन से। तो क्या हो जाएगा, सी प्लस हाइड्रोजन की नेटिव फॉर्म क्या है, एच टू गिव्स C6H6, ठीक है। दिस इज द स्टेप वन। स्टेप टू क्या था बेटा, इसको बैलेंस करना है। कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन हैं, हाइड्रोजन भी आपको 6 चाहिए। सो 3H2 गिव्स C6H6 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ये वाला फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, किसकी, बेंजीन की। दैट इज जब बेंजीन को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम किसी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन करते हैं या कंबशन करते हैं, यू ऑलवेज गेट CO2 प्लस H2O। जब भी एनी हाइड्रोकार्बन अंडरगोज कंबशन, इट गिव्स यू CO2 एंड H2O। यू शुड नो दिस, चाहे वो इथीन है, इथाइन है, एसिटाइलिन है, बेंजीन है, ठीक है। इसमें से आपको न्यूमेरिकल आना ही आना है, सो यू शुड नो दिस बाय हार्ट, ठीक है। उसके बाद हम इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। सो यू हैव 6 कार्बन, तो हमने ये कार्बन बैलेंस कर दिए। हाइड्रोजन्स आपके पास कितने हैं, 6 हैं, तो ये 3 2 6, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, कार्बन इज बैलेंस्ड। अब आती है ऑक्सीजन की बारी, जो बहुत पंगा डालती है। 6 2 12 12 प्लस 3 15, ऑक्सीजन्स कितनी हैं, 15 हैं, और यहाँ पर कितनी है, 2। अब 15 कैसे बनाएं, हम क्या करेंगे, इसको 15/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 15/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। तो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, और ये मेरी क्या हो गई, इक्वेशन 1। इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, यहाँ हमने बेंजीन को 1 मोल ही रखा है, कितना हो गया, -3267.7 किलो जूल्स, ठीक है। सो लेट दिस बी माई इक्वेशन 1। उसके बाद आते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। सी प्लस O2 गिव्स CO2, ठीक है। दिस इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ये कितना है, अभी तक आपको याद हो गया होगा, -393.3 किलो जूल्स पर मोल। ये इक्वेशन सबसे ज़्यादा आती है इस चैप्टर में, और एक वाटर की, दोनों इसमें भी हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, फिर इसको बैलेंस करो, ठीक है, ये हो गई बैलेंस। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है -286.6 किलो जूल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ओके। नाउ अब हमारी टारगेट इक्वेशन ये है, हमें क्या चाहिए, हमें कार्बन चाहिए। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 3, यू नीड कार्बन, ठीक है। कार्बन कौन सी इक्वेशन में है, सेकेंड इक्वेशन में है। बट कितने कार्बन है बेटा, देर इज़ ओनली 1 कार्बन, यू नीड 6। तो आप क्या करोगे, आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, इक्वेशन 2 को। तो इस पूरी इक्वेशन को यहाँ एंथैल्पी तक किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से। सो यू हैव 6 कार्बन्स, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं H2। सो नाउ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ है आपका, हाइड्रोजन 3rd इक्वेशन में है। कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3, और यहाँ पे कितना है, 1। तो इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन, आई रिक्वायर्ड 6 कार्बन, तो मैंने कार्बन वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 6 से। उसके बाद मेरे को चाहिए थे 3 हाइड्रोजन्स, तो मैंने हाइड्रोजन वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 3 से। सो 3 टाइम्स इक्वेशन 3, ठीक है। आगे चलते हैं, नाउ आई नीड बेंजीन, है ना। अब बेंजीन किस इक्वेशन में है, 1st इक्वेशन में है, लेकिन ऑपोजिट साइड पे है, तो मैं इस इक्वेशन को क्या करूँगी, माइनस। और एक ही चाहिए, एक ही है, तो इसलिए किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं किया। अब ये ऑपरेशन मैंने इधर भी करना है और उधर भी करना है, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। तो पहले हम करते हैं इसको, दिस इज गोइंग टू बी 6C प्लस 6O2 गिव्स 6CO2, ठीक है। और इसको भी आप इंटू 6 कर दो, मैं यहाँ रफ में सॉल्व कर देती हूँ। इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 3 18, 1 6 3 18 एंड 1 19, 1 6 9 54 एंड 1 55, 5 6 3 18 18 एंड 5 23, ठीक है।
तो क्या बन गया ये -2359.8, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद तो यहाँ आ गया आपका डेल्टा एच इज -2359.8, राइट। नाउ प्लस थ्री टाइम्स इक्वेशन थ्री, सो थ्री एच टू प्लस 3/2 O2, बिकॉज 3 × 1/2, 3/2 गिव्स 3H2O, ठीक है। और डेल्टा H क्या हो जाएगा, दिस इंटू 3, ये भी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इंटू 3, 3 6 18 1 3 6 18 and 1 19 1, 3 8 24 and 1 25, 2 3 2 6 6 plus 2 8, तो ये क्या हो गया आपका -859.8, ठीक है। नाउ इन दोनों को हमने ऐड करना है, वी हैव टू ऐड दीज टू इक्वेशंस, सो इट विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू 6C + 3H2 + अब ये करो 6 + 3/2, कैसे करोगे आप, 2 एलसीएम ले लोगे, ठीक है। सो 2 6 12 12 + 3 15 15/2 O2, ठीक है, इज गिविंग यू 6 CO2 + 3H2O। और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, इसको ऐड कर दो, माइनस माइनस प्लस, 8 + 8 = 16 1 9 + 9 = 18 and 1 19 1 5 + 5 = 10 and 1 11 1 3 + 1 4 = 8 12 1 2 and 1 3, -3 2 1 9.6, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या किया है, 6 times equation 2 + 3 times equation 3, अब मैंने क्या करना है, इस दोनों का जो रिजल्ट है उससे मैंने क्या करना है, -1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है मेरी, यही लिख लेते हैं, C6H6 + 15/2 O2 गिव्स 6 CO2 + 3 H2O, और डेल्टा एच क्या है मेरा, -3267.7, ठीक है। तो अब मैंने इसको माइनस करना है, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ये प्लस का माइनस, माइनस और ये माइनस का प्लस, ठीक है, राइट। सो ये कट गया, ये तो सारा ही ख़त्म हो गया इस साइड वाला, ठीक है। तो क्या बचा, 6C + 3H2, अब ये -C6H6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +C6H6, तो यहाँ पे क्या बनी थी मेरी, -3219.6 - -3267.7, तो ये क्या हो गया। सी ये आपको सारे स्टेप्स नहीं शो करने की ज़रूरत, आप डायरेक्टली यहाँ कर सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ ये प्लस क्यों हुआ। सो माइनस माइनस प्लस, सो दैट यू डोंट हैव एनी डाउट इन माइंड, ठीक है। सो 3267.7 और माइनस किससे करना है, 3219.6, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। आपका 3219 में माइनस साइन है और 3267 में प्लस साइन है, ठीक है। 7 - 6 = 1 17 - 9 कितना हो गया, 8 5 - 1 4, सो क्या आ गया आपका आंसर, 48.1 पॉजिटिव आंसर आया है किलो जूल्स पर मोल। सो दिस इज योर डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, 48.1 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो इज टेकिंग आउट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन व्हेन बॉन्ड एनर्जीज आर गिवन, ठीक है। आपने ये ऑलरेडी पढ़ा था बॉन्डिंग में, यू हैड रेड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी। नाउ व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यू हैव ऑलरेडी डन दिस, व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 atoms इन गैसियस स्टेट, ठीक है, राइट। तो 1 mole बॉन्ड्स तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सिमिलरली व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो जब बॉन्ड टूटते हैं तो तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी इज गिवन आउट,
ठीक है. नाउ इसी से हम निकाल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. कैसे निकाल सकते हैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ डिफरेंट बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, इस फॉर्मूला की मदद से हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, राइट, एंड वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स टू HCl गैस. और गिवन क्या है? गिवन इज बॉन्ड एनर्जीज. किसकी? H बॉन्ड की दी हुई है आपको, Cl बॉन्ड की दी है एंड HCl बॉन्ड की दी है. H की दी हुई है 433, Cl की दी है 244 एंड HCl की दी है 431 किलो जूल्स पर मोल. ठीक है, सो दिस इज गिवन टू यू. नाउ वी हैव टू टेक आउट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स. ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो अब रिएक्टेंट्स में क्या है? H2, एक ही HH बॉन्ड है ना, तो कितना हो गया H2 बनने के लिए? HH बॉन्ड की कितनी है? 433 प्लस Cl2, एक ही Cl बॉन्ड है. ठीक है, कितनी है? 244. ये हो गई रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स दैट इज HCl. और कितने HCl हैं? दो. तो दो H एंड Cl बॉन्ड्स हैं, सो 2 × 431. मैंने क्या किया? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. 2 क्यों आया? क्योंकि दो HCl थे. ठीक है, सो इसको कर लो, 3 + 4 = 7, 4 × 6 माइनस 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8. ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, 8 × 62 − 6 = 77. सो दिस इज कमिंग आउट एज −185 किलो जूल्स पर मोल. तो ये आ गया आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. ठीक है, अगेन वेरी इजी. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बड़ा कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है आपने अमोनिया का, और आपको डेटा दिया है NH की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज 389, H की है 435 एंड नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की है 945.36. ठीक है, आपको ये एनर्जीज दी हुई हैं, राइट. सो ये सारे अगेन यूनिट सबके क्या हैं? किलो जूल्स पर मोल. सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ. N2 प्लस H2 NH3. ठीक है, हो गया. तो अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, राइट. सो दिस इज हाफ ऑफ N2, या आप नॉर्मल बैलेंस कीजिए, बाद में देखेंगे जो मुश्किल आएगी. सो यहाँ आ गया 2, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, 2 × 3 = 6, हाइड्रोजन 6 हो गए. अब 3 × 2 = 6, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. ये आपके अमोनिया की इक्वेशन आ गई. ठीक है, नाउ इसका आपने एंथैल्पी निकालनी है. तो नाइट्रोजन बॉन्ड कितने हैं? एक नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है. तो रिएक्टेंट्स, सो डेल्टा एच रिएक्शन विल बी व्हाट? बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट्स में क्या आ गया? N2 945.36 प्लस 3H2, तीन HH बॉन्ड्स हैं. कितने आ गए? 3 × 4 = 35. हमने 3 क्यों किया? क्योंकि 3H2 है. ठीक है, राइट. ये हो गया आपका बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स. नाउ आपको क्या दिया हुआ है? एक NH बॉन्ड दिया है. आप अमोनिया का स्ट्रक्चर इफ यू रिमेंबर वाज लाइक दिस,
है ना, याद है आप सबको, एक अमोनिया में कितने NH बॉन्ड्स हैं, देर आर 3 NH बॉन्ड्स, है ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं, ऐसे लिखते हैं NH बॉन्ड, N hyphen and then H, दिस इज शोइंग द बॉन्ड। तो दो अमोनिया, आपके क्वेश्चन में क्या है, दो अमोनिया में कितने नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए, 6 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 टाइम्स एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी चाहिए, 389। ठीक है, इज इट क्लियर, 6 क्यों आया, क्योंकि एक अमोनिया में 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, दो अमोनिया में कितने हुए, 6। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व करके आ रहा है -83.64 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, कहानी यहाँ नहीं ख़त्म होती, ये क्या आया आपका, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जब कितने मोल्स अमोनिया बन रहे थे, 2 मोल्स, सो 2 मोल्स के लिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन था कितना था, -83.64। तो जब 1 मोल अमोनिया चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, किलो जूल्स पर मोल, है ना, तो 1 मोल का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हमने पढ़ा था एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म, तो 1 मोल का कितना हो जाएगा, -83.64 डिवाइड बाय 2, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 2 4 8, 2 1 2, 2 8 16 एंड 2 2 4, इतने किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड मेथड। ठीक है, इनफैक्ट हमने 3 मेथड्स कर लिए, एक आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का था, उसमें कैसे निकाल रहे थे आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी चीज़ की, जितना भी था सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, उसके बाद उससे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल रहे थे, इट वॉज सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, उसके बाद हेस लॉ से भी निकाल सकते हैं, नंबर 2 एंड नंबर 3 अगर आपको बॉन्ड एनर्जीज दी हैं तो आप बॉन्ड एनर्जीज से भी निकाल सकते हो, कैसे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। ध्यान ये रखना है, अगर आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाला मेथड यूज़ कर रहे हो तो इट इज प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, और अगर बॉन्ड एनर्जी वाला मेथड यूज कर रहे हो इट इज रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यू सी इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बस आपने ध्यान से करना है, प्लस माइनस की गलती नहीं करनी। ठीक है, सो वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट 2x, मेक नोट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ, थैंक यू।